सुनने और देखने वालों को बशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम जिनको अडॉप्ट करके हम सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम सीखेंगे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बड़े सिंपल सिंपल चीजें हैं और इनसे हम कामयाब हो सकते हैं, और ये हमारे इसका ईमान का हिस्सा है। इससे पहले हमें ये अपना छोटा सा लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, इससे पहले हम अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट करें, एक लंबा गैप आया हमारी ये वीडियो की अपडेटिंग में, उसकी वजह यह थी कि कुछ सिकनेस थी, आई मेरी थोड़ी सी ये हीट वेव की वजह से डिस्टर्ब हुई। अच्छा दोस्तों, चंद तरीके जिनको अडॉप्ट कर हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं और सीनियर्स से बड़ा कुछ सीख सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका जो है कि स्पेंड सम क्वालिटी ऑफ टाइम विद योर सीनियर्स। अपना बेहतरीन टाइम या थोड़ा सा बेहतरीन टाइम अपने सीनियर्स के साथ गुजारने की आदत डालें, ये नंबर वन है। आप जब घर आए तो अपने मां बाप के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, अपने उस्ताद अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम गुजारें। नंबर टू जी क्या है, नेवर क्रिटिसाइज देयर एडवाइसेस। उनकी नसीहतों को क्रिटिसाइज नहीं करना आपने, उनकी नसीहतें उनका एक तजर्बा है, उनकी नसीहतें उनकी पूरी लाइफ है, उनकी नसीहतें वो हैं जो वक्त ने उनको सिखाई हैं, जो हमारे लिए एक एजाज की बात होनी चाहिए। इसलिए कभी भी अपने सीनियर्स की एडवाइसेस को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, यह दूसरी एडवाइस थी। नंबर थ्री के ऊपर जी, हमें हर सूरत में अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट शो करें। आप लोगों को पता है कि ये कहा गया है कि मां बाप आपके सीनियर्स हैं, उस्ताद आपका सीनियर है, मां बाप के लिए कहा गया है कि उनको उफ तक नहीं कहना आपने, उस्ताद के लिए कहा गया है कि ये आपका रूहानी बाप है, तो आपने अपने सीनियर्स की, उस्ताद की, तजर्बाकार की, सीनियर्स की, पेरेंट्स की फुल रिस्पेक्ट करनी है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। नंबर फोर जी, प्लान टू ईट विद देम। उनके साथ खाने का प्रोग्राम रखा करें, जब खाने का प्रोग्राम रखेंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो उनसे कुछ सीखेंगे, ये चौथी एडवाइस थी जी। हेल्प देम टू एज इन डिजिटल एरा। अब एक वक्त, जदीद वक्त आ गया, डिजिटल एरा आ गया, तो हमने इस डिजिटल एरा में उनको सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है, जो जदीद चीजें न्यू एरा के मुताबिक आई हैं उनमें उनकी हेल्प करनी है, और वो आपको तजर्बे के साथ सिखाएंगे। ये आपकी फिफ्थ प्लान था जी। उसके बाद याद रखें कि आपने एनकरेज करना है कि आप अपने सीनियर्स को बच्चों के साथ खेलने का मौका दें, आप भी अपने बच्चों के साथ खेलें, ताकि आप भी अपने बच्चों के सीनियर हैं, उनको भी कुछ मिले। ये सीनियर्स को रिस्पेक्ट देने के डिफरेंट तरीके हैं जी। उसके बाद चूज केयर गिविंग सर्विसेज। हर वो चीज, हर वो सर्विस उनको दें जिससे उनकी केयर हो, उनको हेल्थ के रिगार्ड, उनको फाइनेंस के रिगार्ड किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है, तो उनको केयरिंग सर्विसेज दें, आपको बेहतरीन एडवाइसेज मिलेंगी और इन बेहतरीन एडवाइसेज से आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। अच्छा गाइस, ये वो तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके या जिनकी प्रैक्टिस करके डेली लाइफ में हमें सिखाया जाता है, इनकी प्रैक्टिस करके हम बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, और बेहतरीन इंसान ही कामयाबी का जरिया चढ़ता है।
बेहतरीन इंसान ही पैसा कमाता है, बेहतरीन इंसान ही इज्जत कमाता है। और हमें इज्जत, शोहरत और पैसा कमाना है, दुनिया में अपना नाम बनाना है, बीट द हिस्ट्री करनी है, तो सीनियर्स को फॉलो करना पड़ेगा, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सीनियर्स को ओबे करना पड़ेगा। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें, स्टे ट्यून्ड विद, अल्लाह हाफिज़।